तो कहानी शुरू होती है कुछ लोगों से, जो कुछ लोगों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाते हैं, और उसी में हमें दिखाई जाते हैं एक माँ और एक बेटा। ये दोनों भी गुलाम बना लिए जाते हैं, और थोड़ी आगे जाने के बाद इनको छांट दिया जाता है, बच्चे अलग औरतें अलग। और इसकी माँ को दूसरी तरफ ले जाया जाता है, वो अपनी माँ को रोकने की कोशिश करता है, तभी कुछ सैनिक उसको पकड़ के अपनी तरफ खींचते हैं। तब ये बच्चा अपनी माँ की तरफ इशारा करता है अपने हाथों से दरवाजे की तरफ, और वो दरवाजा लोहे का होता है, उसे खींच लेता है अपनी तरफ और उसे तोड़ तोड़ के कचूमर काट देता है। उसका सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाई जाती है रोग। रोग को एक रोग है, वो किसी को छूती है तो वो बंदा तड़प तड़प के मर जाता है। तो इसका एक बॉयफ्रेंड होता है और उसे प्यार करने के नशे में वो भूल जाती है कि वो जिसको छुएगी वो मर जाएगा, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को किसी करती है और इसका बॉयफ्रेंड तड़पने लग जाता है और वो इस चीज के लिए बहुत रोती है। और हमें इधर दिखाई जाती है जेन, जो कि म्यूटेंट है, और म्यूटेंट और इंसान एक साथ नहीं रहना चाहते क्योंकि म्यूटेंट में सुपर पावर्स है। वो यहाँ के प्रेसिडेंट को एक सलाह देती है कि हम म्यूटेंट को इस देश में रहने का दर्जा दे दो, लेकिन ये प्रेसिडेंट उसके लिए रेडी नहीं है। वो कहता है कि हमें तुमसे खतरा है। और वही पर हमें दिखाया था चार्ल्स एक्सेवियर, जिस पर बहुत सारे इल्जाम लगे हैं कि उसने एक बहुत बड़ा स्कूल बनाया है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं और उनको इंसानों से लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है, ऐसे ऐसे उस पर इल्जाम लगते हैं। और तभी चार्ल्स एक्सेवियर एक तरफ जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया था मैग्नीटो। मैग्नीटो और चार्ल्स ये दोनों भी म्यूटेंट है, म्यूटेंट यानी कि इनमें सुपर नेचुरल पावर है और इंसानों को म्यूटेंट से डर लगता है। ये जो मैग्नीटो है उसे लगता है कि इंसान हमारे लिए खतरा है और वो इंसानों को बिल्कुल पसंद नहीं करता और वो उनको मार देना चाहता है। तभी चार्ल्स उसके पास आता है और उसको समझाता है कि देखो इंसानों से नफरत मत करो। उसका मैग्नीटो बोलता है कि इंसानों ने मेरे बेटे को मारा, इंसानों ने मेरी बीवी को मारा, अब वो सारे म्यूटेंट्स को मारना चाहते हैं और तुम कहते हो उनसे नफरत ना करें। और इधर में दिखाई जाती है रोग। रोग ने अपना घर छोड़ दिया है और वो आई है एक क्लब के अंदर बीड़ी सिगरेट दारू तंबाकू वही खाने पीने के लिए। और तभी वहां पर दिखाया जाता है लोगन, और यहां पे जो बारटेंडर होता है उसको भी म्यूटेंट्स पसंद नहीं है। उन्हें पता चल जाता है कि लोगन म्यूटेंट है, तो ये अपने बंदे भेजता है उसे लड़ने के लिए। तभी लोगन अपने हाथ में से निकालता है तीन क्लॉज जो लोहे के होते हैं और इनको धमका देता है यहाँ से। उसके बाद यहाँ से निकलता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और चलने लगता है। तब उसे पता चलता है कि वो लड़की भी इसकी गाड़ी में बैठ चुकी है और वो इससे लिफ्ट मांग रही है। और ये लोग कहीं पर जाने लगते हैं और तभी यहाँ पर एक बंदा इन पर हमला कर देता है। और हमें दिखाया था लोगन। लोगन की सुपर पावर ये है कि उसके अंदर जो है उसका जो पूरा स्केलेटन है वो एडमेंटियम धातु का है, जो कि बहुत तेज है और बहुत मजबूत है, और उसके जख्म बहुत तेजी से भरते हैं। और तभी वो बंदा इस पर दोबारा बार बार हमला करता है और वहाँ पर आ जाते हैं स्टॉर्म और स्कॉट। स्टॉर्म जो है वातावरण को कंट्रोल कर सकती है, यानी कि अगर ये मंगल ग्रह पे चली गई तो वहाँ पर जीने लायक वातावरण बना सकती है। और स्कॉट जो है अपनी आंखों से लेजर मारता है सुपरमैन की तरह। तो ये दोनों लोगन और रोग को बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है मैग्नीटो। मैग्नीटो ने इस बंदे को भेजा था रोग को लाने के लिए, लेकिन ये नहीं ला पाया। ये लाया लोगन का लॉकेट जिस पर लिखा है वुल्वरी। और इधर हमें दिखाया जाता है लोगन जो कि थोड़ा सा बेहोश है और उसका इलाज कर रही है जेन। और जेन के अंदर सुपर पावर है, वो किसी भी चीज को बिना छुए उठा सकती है और वो उसको इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है। तभी लोगन उठ जाता है और इस पर हमला कर देता है। उसके बाद वो इधर उधर भागने लगता है, लेकिन अपना चार्ल्स इससे बातें करता है कि तुम इधर आओ, तुम परेशान हो, तुम नाराज हो, मेरे से मिलो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, तुम्हारे अंदर जितने भी सवाल हैं उन सबके जवाब मैं दूंगा। और वो उन आवाजों का पीछा करते करते आ जाता है चार्ल्स के पास, और चार्ल्स के पास होते कुछ स्टूडेंट, तो चार्ल्स स्टूडेंट्स की छुट्टी कर देता है और वो लोगन से बात करता है। और वहीं पर आ जाते हैं स्कॉट और स्टॉर्म। चार्ल्स इनको इंट्रोड्यूस करता है कि इन दोनों ने तुम्हारी जान बचाई है और तुम्हारी रोग भी सही सलामत है, और ये मेरा स्कूल है जहाँ पर मैं म्यूटेंट बच्चों को दुनिया की नजरों से दूर रखकर इनको जीने लायक बनाता हूँ ताकि ये शहर में हमला ना करें क्योंकि इनके पास सुपर नेचुरल पावर्स है। और हमें दिखाया जाते हैं म्यूटेंट बच्चे जिनके अंदर एक से एक गजब पावर है। ये लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपनी ताकतों को कंट्रोल करना सीख रहे हैं। और चार्ल्स कहता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ 48 घंटे में, मैग्नीटो क्या चाहता है तुमसे मैं वो पता लगाकर रहूंगा, और तुम्हारे अंदर जितने भी सवाल है मैं सबके दिमाग पढ़ सकता हूँ, उन सबके मैं जवाब भी दे दूंगा जो भी तुम्हारे दिमाग में सवाल चल रहे हैं, तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है पिछले 10 साल से। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन उसका सेक्रेटरी उसका एकदम से रूप बदल जाता है क्योंकि ये मिस्टिक है, ये भी एक म्यूटेंट है और इसको भी इंसानों से डर है। तो प्रेसिडेंट के गंदे गंदे बयान देने के बाद इनको गुस्सा आता है और वो प्रेसिडेंट को किडनैप करके मैग्नीटो के अड्डे में ले जाते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जेन ने लोगन का बॉडी चेकअप किया है, उसमें वो बताती है कि लोगन का जितना भी स्केलेटन है पूरे स्केलेटन उसका एडमेंटियम धातु का बना हुआ है और इसकी उम्र प्रोफेसर आपसे भी ज्यादा है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट को लेकर आया गया है मैग्नीटो के पास, और मैग्नीटो एक जगह में जाकर वहां से कुछ पल्स रेज ओपन करता है, यानी कुछ किरणें इसके शरीर से निकलती हैं और वो किरणें प्रेसिडेंट के ऊपर भी चली जाती हैं। यहाँ पर इसका प्लान ये है कि ये सभी लोगों को म्यूटेंट बना देना चाहता है। और यहाँ में दिखाई जाती है जेन जिसको नींद नहीं आ रही है, और यहाँ पर लोगन नींद में बड़बड़ा रहा है, तो जेन आती है लोगन के पास और उसको शांत कराने के लिए उसको टच करती है। और हमें दिखाया जाता है लोगन का सपना कि उसके शरीर के अंदर एडमेंटियम गला के डाला जा रहा है, और तभी उसकी आंख खुलती है और उसके क्लोज रोग के अंदर घुस
गुस्से होते हैं तो रोग मरने लगती है। तभी वो लोगन को छू लेती है जिससे वो उसकी ताकत अपने अंदर ले लेती है और अपने घाव को भर लेती है। और यहाँ पर सभी लोग आते हैं, सारी सिचुएशन संभालते हैं। यहाँ पर चार्ल्स आके बताता है लोगन को कि उसने अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारी शक्तियाँ तुमसे दो मिनट के लिए उधार ले ली और रोग के अंदर ये भी पावर है, वो किसी भी शक्तियों को अपना सकती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट एक लॉकअप में बंद है और वो म्यूटेंट बन चुका है। वो रबर की तरह एक पिंजरे से बाहर निकलता है और एक जगह पर लटक जाता है। मैग्नेटो कहता है ऊपर आओ, वो अपने बंदे को कहता है कि इसको ऊपर खींचो। वो खींचने की कोशिश करता है लेकिन ये बंदा फिसल के नीचे गिर जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट। और समुद्र में बहते हुए आता है बीच के किनारे और बहुत सारे लोगों को देखता है। उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है बॉबी और उसके सामने होती है रोग। तो रोग कहती है कल रात के इंसिडेंट के लिए तो प्रोफेसर बहुत गुस्सा होंगे, तो ये कहता है हाँ तुम यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये बॉबी नहीं, ये मिस्टिक है। उसके बाद यहाँ पर प्रोफेसर आता है अपने सैनी ब्रो में, क्योंकि रोग भाग चुकी है और ये सैनी ब्रो की मदद से अपना चाल सभी म्यूटेंट्स को ढूंढ सकता है। और वो यहाँ पर आया है रोग को ढूंढने के लिए। और हमें दिखाया जाता है बहुत सारे म्यूटेंट इस दुनिया में, बहुत सारे म्यूटेंट हैं। और आखिरकार वो रोग की लोकेशन लेकर स्टॉर्म और स्कॉट को भेजता है कि जाओ उसको लेकर आओ। और तभी लोगन सुन लेता है और लोगन स्कॉट की बाइक लेकर निकल पड़ता है और वो पहुंचता है रोग के पास और रोग को बोलता है कि प्रोफेसर तुमसे गुस्सा नहीं है, तुम आ जाओ वापिस। ये कहती है मैं सबके लिए एक बोझ हूँ। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है बॉबी, जो कि बॉबी नहीं मिस्टिक है। वो प्रोफेसर की रूप लेके उसका सैनी ब्रो खोल लेता है तो वो उसके सैनी ब्रो में आके उसके अंदर कुछ ऐसा लिक्विड लगा देती है जिससे चार्ल्स बीमार हो जाए। और हमें यहाँ रोग दिखाई जाती है, रोग कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, तुम बहुत अच्छे हो। और यहाँ पे दिखाया जाता है स्कॉट जो कि स्टेशन पर पहुंच चुका है रोग को बचाने के लिए। और स्टॉर्म भी दिखाई जाती है और तभी स्टॉर्म पर ये बंदा हमला कर देता है और उसको बचाने के लिए आता है स्कॉट। और तभी उसका चश्मा निकल जाता है जिससे वो लेजर मार मार के स्टेशन का बुरा हाल कर देता है। और स्टॉर्म यहाँ पर बिजली की पावर इस बंदे के अंदर घुसा देती है। और हमें वहाँ ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आ चुका है मैग्नेटो सबके सामने धातु को कंट्रोल करते हुए और लोगन इसको मारने आता है। तभी लोगन को ये चुंबक की तरह चिपका के साइड में कर देता है। लोगन कहता है क्या चाहिए तुम्हें मुझसे, तो मैग्नेटो कहता है तुमसे तुम किस काम के हो, मुझे तो रोग चाहिए। और रोग यहाँ से भागने लगती है। तभी वो रोग को पकड़ के अपने साथ ले आते हैं और जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकलता है बाहर होती है बहुत सारी पुलिस। तो पुलिस वाले कहते हैं मैग्नेटो को चलो अपने हाथ ऊपर करो। जैसे ही मैग्नेटो अपने हाथ ऊपर करता है सारी कारें ऊपर हो जाती हैं क्योंकि कारें मैग्नेटो को बहुत पसंद करती हैं। और तभी मैग्नेटो इन सबकी बंदूकें भी छीन लेता है और इन्हीं की बंदूक लेकर इन्हीं पे तान देता है। और तभी वहां पर आ जाता है चार्ल्स। चार्ल्स अपने दिमाग से उससे बातें करता है कि इंसानों को मत मारो, छोड़ दो उन्हें। तो मैग्नेटो कहता है कि तुम अभी भी कुर्बानी से डरते हो, दम है तो मुझे मारो। तो चार्ल्स दूसरे बंदे को कंट्रोल करके मैग्नेटो को मारने की कोशिश करता है लेकिन मैग्नेटो गोली चला देता है और गोली बंदों के माथे पे रोक देता है। कहता है अगर मेरे को कुछ हुआ तो ये सब लोग भी मरेंगे। तो मजबूरी में चार्ल्स को इन्हें छोड़ना पड़ता है और ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से भाग जाते हैं। और हमें यहाँ लोगन दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में है और वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ अकेला ही रोग को बचाने के लिए। और तभी वहाँ पर आता है प्रेसिडेंट। वो आकर कहता है कि देखो उन्होंने मेरे साथ क्या किया, वो सारी सिचुएशन चार्ल्स को बताता है। तभी चार्ल्स उसके दिमाग पे हाथ रख के उस समय में चला जाता है कि इसके साथ हुआ क्या है और उसे सारी सिचुएशन समझ में आ जाती है कि उसने रोग को इसलिए पकड़ा है वो सभी इंसानों को म्यूटेंट बनाना चाहता है जिससे आधे लोग जिएंगे आधे लोग मर जाएंगे। और जब ये ऐसा करता है तो मैग्नेटो की पावर्स थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके बाद ये सब लोग प्लान बनाते हैं रोग को बचाने का और चार्ल्स आता है सैनी ब्रो के अंदर। और जैसे वो अपने दिमाग पर अपने सर पे वो मशीन लगाता है उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी जेन आती है, वो उसकी मशीन चेक करती है और उसके अंदर जो वायरस होता है उसे निकाल देती है। और यहाँ पे चार्ल्स दिखाया जाता है जिसके सामने है स्कॉट और स्कॉट कहता है कि आपके जाने के बाद मैं आपकी गद्दी संभाल लूंगा, आप टेंशन ना लें। और यहाँ पर जेन ने वो मशीन चालू कर ली है और वो रोग को ढूंढने की कोशिश कर रही है। स्कॉट इधर भाग कर आता है और वो स्कॉट को बताती है कि रोग जो है इस जगह पर है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाते हैं समुद्र के बीच में एक जगह है जहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उसके बगल में भी एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे नेता लोग आकर एक मीटिंग रखने वाले हैं कि म्यूटेंट्स को हम कैसे मारे, कैसे उनको यहाँ से भगाएं। और यहाँ पर मैग्नेटो दिखाया जाता है जो रोग को लेकर आया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास और उसकी टॉर्च के अंदर ही उसकी एक मशीन है जहाँ से वो रोग का इस्तेमाल करके पूरे दुनिया में सभी इंसानों को म्यूटेंट बना देगा। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इनकी प्लानिंग, स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पर है और वहाँ पर प्रेसिडेंट्स की मीटिंग होने वाली है तो ये सबसे पहला शिकार उन्हीं का करने वाला है तो उसको हमें रोकना होगा। तो ये सब लोग एक टीम बनाकर निकल पड़ते हैं रोग को बचाने के लिए अपने प्लेन के अंदर। और यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो देखते हैं हमारे स्कूल के अंदर प्लेन भी है और यहाँ पर बहुत सारा बादल स्टॉर्म फैला देती है जिससे इनका जहाज किसी को दिखता नहीं है लेकिन मैग्नेटो समझ जाता है कि यहाँ पर वो आने वाले हैं। तो ये सब लोग आ जाते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास और इधर उधर घूमने लगते हैं और तभी हमें दिखाई देती है मिस्टिक जो कि छोटे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदर है। और तभी लोगन पर लोगन हमला करता है, यानी कि मिस्टिक जो है वो लोगन बनकर लोगन पे ही हमला करती है और इन दोनों की एपिक फाइट दिखाई जाती है। और तभी एक और बंदा दिखाया जाता है जिसकी जुबान बहुत लंबी है और वो जेन पर हमला करता है लेकिन जेन इसको अपनी पावर से हवा में अटका देती है। और यहाँ पे तभी स्टॉर्म भी आ जाती है और स्टॉर्म भी उससे लड़ती है और यहाँ पर लोगन से लोगन लड़ता है और लड़ते लड़ते एक लोगन मिस्टिक बन जाती है और ये लोग गजब तरीके से लड़ते हैं। और यहाँ पर स्टॉर्म आ चुकी है पूरी फॉर्म में और ये लंबी जुबान वाला बंदा इसकी तरफ बढ़ता है इसको मारने के लिए लेकिन स्टॉर्म उसको हवा से उड़ा देती है लेकिन वो अपनी जुबान से एक लोहे को पकड़ के रखता है। तभी स्टॉर्म इसको 150 वोल्ट का करंट दे के इसको पानी में गिरा देती है। और तभी लोगन यहाँ पर होता है उसके सामने आती है स्टॉर्म और कहती है कि अब सब कुछ ठीक है। और तभी लोगन इसके पेट में घुसा देता है अपने क्लोज और पता चलता है कि ये तो मिस्टिक है और मिस्टिक घायल हो जाती है।
उसके बाद ये सारे लोग ऊपर बढ़ते हैं, देखते हैं कि रो को वहाँ पर कैद करके रखा गया है, और तभी इनके सामने आता है मैग्नीटो, और मैग्नीटो इन सबको लोहे के अंदर ही कैद करवा देता है क्योंकि वो धातु को कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाती है प्रेसिडेंट लोग मीटिंग कर रहे हैं कि म्यूटेंट्स को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, इनको या तो किसी और ग्रह पे भेज देंगे या हम लोग इन्हें कारावास में रखेंगे। और यहाँ पर मैग्नीटो इनको समझाने की कोशिश करता है कि ये लोग इंसान लोग कैसे कैसे प्लानिंग कर रहे हैं, हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, जब मैं उन लोगों को हम जैसा ही बना दूंगा तो कोई भेदभाव ही नहीं रहेगा। तो लोगन कहता है लेकिन तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी एक म्यूटेंट दोस्त वो जो रोग है वो मर जाएगी। और तभी यहाँ पर लोगन अपने क्लोज अपने अंदर ही घुसा के लोहे को काट देता है और नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर रोग को तंग किया जा रहा है और तभी लोगन पर हमला करता है ये बंदा और लोगन इससे लड़ता है। और यहाँ पर मैग्नीटो रोग का इस्तेमाल करके इंसानों को म्यूटेंट बनाने की तैयारी कर रहा है और यहाँ पर इन दोनों की घमासान लड़ाई और लोगन इसको और यहाँ पर लोगन इसको मार देता है स्कॉट की मदद से। और तभी ये लोग प्लान करते हैं कि हम वहाँ ऊपर कैसे जाएं। तो स्टॉर्म कहती है मैं हवा से तुम्हें उड़ा तो सकती हूँ लेकिन तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। तो जेन कहती है मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगी। तो स्टॉर्म लोगन को उड़ाने लगती है और जेन उसको कंट्रोल करने लगती है और करते करते वहाँ पर मशीन चालू हो जाती है और लोगन को उस मशीन के ऊपर पहुंचा दिया जाता है। और लोगन उस मशीन पे पहुंचकर देखता है यहाँ पर किरणें शुरू हो चुकी है और वो मैग्नीटो पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मैग्नीटो अपनी ताकत इस्तेमाल करके इसके क्लोज को मोड़ता है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाते हैं इंसान जो कि देख रही है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास क्या हो रहा है। और यहाँ पर रोग मरने लग रही है और यहाँ पर बहुत सारे इंसान देख रहे हैं कि कुछ लोग इस पल्स रेस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और रोग मरने लग रही है। तभी स्कॉट उसकी मशीन को अपनी आंखों के लेजर से उड़ा देता है जिससे वो मशीन बंद हो जाती है और मैग्नीटो बहुत कमजोर हो जाता है और रोग भी यहाँ पर बहुत घायल हो जाती है और वो मरने वाली होती है। तभी हमारा लोगन उसे छूकर अपनी ताकत उसको देता है जिससे वो ठीक हो जाती है और वो खुद बीमार होने लगता है। और हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा सारे लोग आ चुके हैं इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए और हमें दिखाई जाती है मिस्टिक जो कि एक सिविलियन का रूप ले चुकी है। और यहाँ से सारे एक्समैन निकल पड़ते हैं। यहाँ पर चार्ल्स को होश आता है और जेन बताती है सब कंट्रोल में है। और यहाँ पर लोगन दिखाया जाता है जिसकी अब सर्जरी अच्छे से हो चुकी है, वो ठीक है और पता चलता है कि वो जेन से प्यार करता है। और यहाँ पर चार्ल्स लोगन को बताता है कि तुम्हारी अंदर जो लोहा डाला गया है जो एडमेंटियम डाला गया है वो इस जगह में डाला गया था तो तुम यहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो लोगन यहाँ से निकलता है और यहाँ पर बॉबी और रोग करीब आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बहुत सारे लोग न्यूज देख रहे होते हैं और न्यूज में ये लोग रियलाइज करते हैं कि अब की जो प्रेसिडेंट का जो सेक्रेटरी है वो मिस्टिक है। और यहाँ पर लोगन इनको आखिरी बार देखकर यहाँ से निकलने लगता है। तभी आती है रोग और कहती है तुम कब आओगे। तो कहता है कि मेरे को जरूरी काम से जाना है, तुम पकड़ो मेरा लोकेट, मैं आऊंगा तो मेरे को वापस दे देना। और वो एक्सेवियर स्कूल से निकलता है। और इधर मैं दिखाया था मैग्नीटो, मैग्नीटो को एक प्लास्टिक की जेल में कैद कर दिया गया जहाँ पे लोहे का इस्तेमाल नहीं है। और चार्ल्स आता है उसके पास, उसके साथ खेलता है और ये लोग अपनी पुरानी बातें करते हैं कि जब ये 18-17 साल के थे तो इनकी कितनी पक्की दोस्ती थी, लेकिन इन दोनों के विचार एक दूसरे से सहमत नहीं है, ना ही एक दूसरे के दुश्मन है। उसका खेल खत्म करने के बाद चार्ल्स यहाँ से निकल पड़ता है और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत ही अच्छी है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं और मैं इस एक्समैन सीरीज पर ही काम करने वाला हूँ क्योंकि आने वाली जो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस है उसके अंदर म्यूटेंट भी आने वाले हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए म्यूटेंट्स कौन है, क्या है, कहां से आए। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दो ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डाले आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी लाइक करते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।